नमस्कार, नमस्ते बिहार। मैं राहुल ओझा आपके साथ। नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। और पटना से बड़ी खबर, जहां सीएमओ को उड़ाने की धमकी मिली है। अलकायदा के नाम के ग्रुप से मेल आया है, सीएमओ कार्यालय को मेल आया हुआ है। एटीएस ने मामले की जांच की है, जांच के बाद एफआईआर दर्ज की गई है। सचिवालय थाने में मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। बता दें कि ACHW700@gmail.com से ये धमकी भरा मेल आया है। धारा 351(2) और (3) के तहत मामला दर्ज किया गया है। आईटी अधिनियम की धारा 66F के तहत ये केस जो है वो दर्ज किया गया है। तो सीएमओ को उड़ाने की धमकी, और इस धमकी के बाद से प्रशासन लगातार एक्शन मोड में है। बताया जा रहा है कि अलकायदा के ग्रुप से ये मेल आया है, सीएमओ कार्यालय को मेल आया है। एटीएस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और एफआईआर भी इस मामले को लेकर के दर्ज की गई है। सचिवालय थाने में मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि जिस मेल से ये मैसेज आया है, वो मेल आईडी ACHW700@gmail.com से आया है और धमकी भरा मेल इस पर आया है। और इस पूरे मामले को लेकर के धारा 351(2) और (3) के तहत मामला दर्ज किया गया है। संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। संजय, इस मेल में क्या है, किसने मेल भेजा है, क्या कार्रवाई हो रही है? देखिए राहुल, हाल के दिनों में अगर आप देख लें तो पटना हाई कोर्ट, पटना एयरपोर्ट, गवर्नर हाउस, गवर्नर ऑफिस, तमाम जो स्थान है उनको उड़ाने की धमकी मेल के माध्यम से दी गई है। और अब मामला सीएमओ तक पहुंच गया है। अलकायदा जो आतंकी संगठन है, इसके नाम पर ये धमकी दी गई है सीएमओ को बम से उड़ाने की, और इसको लेकर एफआईआर भी रजिस्टर्ड कर लिया गया। और सचिवालय थाने के जो थानेदार हैं उनके बयान के आधार पर एफआईआर लॉन्च किया गया और केस के आईओ भी सचिवालय थानेदार बनाए गए हैं। एटीएस भी इस मामले की जांच कर रही है। इसके अलावा पटना पुलिस को आर्थिक अपराध इकाई की मदद मिलेगी इस पूरे मामले में। आर्थिक अपराध इकाई पटना पुलिस के साथ मिलकर इस पूरे मामले की जांच करेगी। प्राइमा फेसी ये लग रहा है कि ये किसी को फंसाने की साजिश हो सकती है। हालांकि ये मामला जांच क्या और जांच के बाद क्या बात निकलकर सामने आती है ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल इस ईमेल के माध्यम से जो धमकी दी गई है उसको लेकर पटना पुलिस में हड़कंप मचा हुआ है राहुल। और सीएमओ की बात करें तो क्या सुरक्षा वहां पर कुछ बढ़ाई गई है? जी देखिए, बिल्कुल सुरक्षा बढ़ा दी गई है और सुरक्षा के लिहाज से वहां पर सादे लिबास में भी पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, रेकी की जा रही है और तमाम तरह के जो सुरक्षा के लिहाज से एहतियात के तौर पर कदम उठाए जाने चाहिए वो बिहार पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर पटना पुलिस जो है वो उठा रही है और आर्थिक अपराध इकाई भी इसमें सहयोग कर रही है। जी जी, चलिए, शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका।